स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी जिसे आप यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं, उसने आपके बीडीओ एग्जाम की एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। अब बहुत से मित्र परेशान हैं कि अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाए। मैं आपको एक एक करके सभी प्रोसेस को बता रहा हूँ, आप मेरे साथ देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउजर है, और क्रोम ब्राउजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सेकेंड इसको ऊपर ले चलते हैं। ये आपका क्रोम ब्राउजर है, मैं क्रोम ब्राउजर से ओपन कर रहा हूँ, तो आप भी इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ मेरा एड्रेस सब है, जो कुछ है मेरे पे सरकारी लोगों का, ये देखिए लोगो खुला हुआ है। आप यहाँ पे सरकारी रिजल्ट डॉट ऑफिस जाके खोल सकते हैं या यूपी ट्रिपल एससी डॉट से खोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे अगर खोलना चाहते हैं, मान लीजिए मैं सरकारी रिजल्ट को खोल रहा हूँ, जैसे मैंने सरकारी रिजल्ट को ओपन किया तो मेरे सामने देखिए एडमिट कार्ड वाले कॉलम में यहाँ पे मेरा एडमिट कार्ड दिखाएगा, यहाँ पे बीडीओ एग्जाम 2028। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक इंटरफेस खोल करके आ गया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे सामने है डाउनलोड, यहाँ देखिए एडमिट कार्ड। मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया, देखिए आपके सामने भी आ जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, बस तुरंत आने वाला, ये देखिए। मैंने इस पे जा कर के तुरंत, आ जाओ भाई नीचे आ जाओ, अभी देखो ये रन कर रहा है, लगातार रन करता रहेगा। इसको मैंने एक सेकेंड, जो ऊपर वाला आ रहा था उसको मैंने क्लिक किया यहाँ पर, सॉरी ये तो विज्ञापन संख्या दूसरी आ गई, मैं पीछे जाता हूँ एक सेकेंड, ये देखिए ऊपर पीछे चलो भाई, देखिए ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। मैं होम पेज पे आ जाता हूँ फिर से, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आ जाएगा ये सबसे ऊपर वाला जो आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे आयोग विज्ञापन संख्या 2 ग्राम सम्मिलित, ये देखिए मैंने ऊपर वाला आप देख लीजिएगा, उस पर वीडियो लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है इंटर टाइप रजिस्ट्रेशन नंबर। अब समस्या एक, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आपकी क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे लेकर के आप परेशान हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता है, जेंडर वगैरह तो आप जानते हैं। अब आप जाइए मेनू पे, यहाँ देखिए मेनू दिख रहा है, मेनू पे जाइए, मेनू पे टिक करिए, मेनू पे एक सेकंड, यहाँ देखिए ये मेनू दिख रहा है, और मेनू पे जैसे जा करके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा, आप होम पे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ ऐसा लिख के आ रहा है, चूंकि इसमें लोड है तो यहाँ पर आ रहा है गो टू ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए आप। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप क्या काम करिए, यहाँ देखिए नो, अब यहाँ पे सब कुछ चले जाइए, नीचे जाते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, नीचे जाते जाइए, तो जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक मिलेगा कैंडिडेट हेल्प, देखिए यहाँ पे ए आपको मिल गया कैंडिडेट, रुक जाओ भाई खुल जाओ, ए आपको कैंडिडेट, इस पर इतना ऐड आ रहा है कट जा रहा है, कैंडिडेट हेल्प मिला आपको। अब मैं आपको देखिए कैंडिडेट हेल्प पर क्लिक करिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम खुल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे ए नो योर रोल नंबर, ठीक है, और उसी के ऊपर एक कॉलम है, खुल जाओ भाई, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। जैसे ही आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करते, मैंने क्लिक किया, अब देखिए मेरे सामने एक इंटरफेस और आ गया, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैंडिडेट नेम। मैंने मान लीजिए अपना नेम टाइप किया, जो भी मेरा नेम है मैं अपना नेम टाइप कर दिया और बाकी चीज़ें टाइप कर दिया। सपोज करिए कि मेरा नाम प्रदीप शुक्ला, आप सभी लोग पहले से जानते हैं, मैंने अपना नाम टाइप किया, ठीक है, उसके बाद पिताजी का नाम टाइप किया, और जब मैंने सब कुछ टाइप किया तो टाइप करने के बाद एक सेकेंड, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने टाइप की, और सब कुछ टाइप करने के बाद वेरीफिकेशन कोड डाल के, इसको वेरीफिकेशन कोड डाल के जैसे मैं सर्च करूँगा, आप करके देख लीजिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपने अभी तक यूपी ट्रिपल एससी में जितने फॉर्म भरे हैं उस सब की लिस्ट नीचे आ जाएगी। यहां पे एक ऐसे इंटरफेस खुलेगा जिस पे लिखा रहेगा कि 10, 20, 12 जितने आप फॉर्म डाले होंगे उसका सबका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसको आप स्क्रॉल करेंगे, जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पे सभी दिए होंगे, आप नीचे चले जाइएगा, वहां पर लिखा होगा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कर लीजिए। अब फिर आ जाइए आप मेनू में, मेन मेनू में, और मेन मेनू से आ जाइए होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, फिर यहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और हमें बता दीजिए कि कौन सी सिटी से आप बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, और किस सिटी में आपका पेपर होने वाला है। दोनों चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में चेक करने के बाद बता दीजिएगा, हम आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।